आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे दिन भर में परमेश्वर ने हमें संभाला और ये शाम का समय परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज पूरे दिन भर की हर एक चिंताओं से, हर एक बीमारी से, हर एक दुख तकलीफ से, हर एक दुर्घटना से बचाकर ये समय परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया। तो आइए हम इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, आज के पूरे दिन भर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि सच में परमेश्वर ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो लोग हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में अपना प्रार्थना निवेदन हमें सेंड करते हैं, उनकी जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि यह सुंदर समय आप हमारे जीवन में लेकर आए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आप अच्छे, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने प्रभु जी हमारे लिए अपने लहू को दिया प्रभु जी, ताकि प्रभु उस लहू से हम छुटकारा पाए, अपने पापों की क्षमा पाए परमेश्वर। धन्यवाद कि प्रभु आप प्रभु जी हमें जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप मार्ग सत्य और जीवन है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, सच में आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं पिता, उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के दिन में परमेश्वर जिनने आपने प्रभु दुर्घटनाओं से बचाया परमेश्वर, प्रभु उनके जीवन में प्रभु मुसीबत आते आते तक रुक गई परमेश्वर, वो दुर्घटना से बचे परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें बचाया परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग आज पूरे दिन भर बीमारी में रहे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनको उनकी चंगाई से छुटकारा दे परमेश्वर, आप उन्हें पूर्ण रीति से चंगा करें परमेश्वर पिता। प्रभु यदि अभी भी प्रभु कोई बीमारी में है प्रभु जी, अपनी किसी भी तकलीफ में है, प्रभु यीशु अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और अब भी और इसी वक्त उन्हें छू लीजिए प्रभु और चंगा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनके शरीरों से कैंसल आउट करते हैं प्रभु, तेरी चंगाई की घोषणा प्रभु उनके जीवन में करते हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीरों को छोड़कर अब भी और इसी वक्त चली जाए। प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु अपनी शादी के लिए चिंतित है परमेश्वर पिता, आप उनके मैरिज के लिए परमेश्वर रास्तों को खोले प्रभु, उनके बिगड़े हुए रिश्तों को बनाए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके लिए मार्ग को खोल दिया है, आपने उनके टूटे हुए रिश्तों को बना दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि जो अच्छा लाइफ पार्टनर उनके लिए आपने रखा है प्रभु, आप उनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी मेंटली परमेश्वर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं परमेश्वर, माइंड से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, प्रभु यीशु आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, और पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु जी फिर से प्रभु सेंस में आने में प्रभु सहायता और मदद करे, उन्हें रिकवर करे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो सारे इस सारे मेंटली कंडीशन से बाहर निकल के परमेश्वर फिर से नॉर्मल प्रभु जी आप उन्हें कर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग अपने घर बनाने की टेंशन में है कि हम कैसे घर बनाएंगे, प्रभु यीशु आप उनके लिए घरों को बनाए प्रभु, और आप उनके लिए योजनाओं को तैयार करें प्रभु। जो लोग अपने कर्जों में है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन के कर्जे हर एक दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आप यहोवा ही रहे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद कि आपने हर एक के कर्जों को चुका दिया है परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो अपने फ्यूचर की टेंशन में है, अपने जॉब की टेंशन में है प्रभु, अपने एग्जाम्स की टेंशन में है परमेश्वर, अपने प्रमोशन के लिए टेंशन में है परमेश्वर, होने दे प्रभु आप इन भाई और बहनों की सहायता और मदद करें, उन्हें अच्छी जॉब दे, अच्छी प्रमोशन दे परमेश्वर, आप उनके फ्यूचर को सिक्योर करें प्रभु परमेश्वर, उनकी हर एक चिंताओं को दूर करें प्रभु यीशु,
हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पिता हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है प्रभु, जो दुष्ट उनके जीवन में बीमारी लेके आता है परमेश्वर, लड़ाई झगड़ों को लेके आता है परमेश्वर, और प्रभु जी आर्थिक तंगी को लेकर आता है प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से उस दुष्ट को हम उनके जीवन से डांट कर आज्ञा देते हैं कि उनके शरीर को छोड़कर, उनके घर को छोड़कर और उनके कारोबार को छोड़कर यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम निकल जाओ, और हम यीशु के नाम से उसे अधिकार से डांट कर उनके जीवन से कैंसल आउट करते हैं प्रभु जी। आप उनके जीवनों को ब्लेस करें, आप उनके परिवारों को ब्लेस करें, आप उनके रिलेशनशिप को ब्लेस करें, उनके कारोबार में परमेश्वर आपकी आशीष और बरकत हो परमेश्वर। जिनके कारोबार प्रभु ढंग से नहीं चल रहा है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उनका कारोबार चलने लगे। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी परमेश्वर, जो प्रभु जी तुझसे परमेश्वर संतान की आशीषों को मांगते हैं प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु संतान की आशीषों को दे, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल प्रभु तेरी ओर से है परमेश्वर। जिनके मिसकैरेज हो जाते हैं प्रभु, उनको उस कंडीशन से बाहर निकाले प्रभु, उन्हें प्रभु हील करे प्रभु। जो मिसकैरेज होता है प्रभु, आज के बाद वो मिसकैरेज होना बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।